देशातील पाण्याच्या स्रोतांचे मोजमाप करण्याचे काम सुरू केले आहे. लवकरच जलस्रोतांच्या मोजमापाचे हे काम पूर्ण होणार असून जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशाला जलस्वयंपूर्ण करणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी केले आहे. जलशक्ती मंत्री शेखावत म्हणाले, शाश्वत पाणी व्यवस्थापन ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्यशाळा आयोजित केली ही चांगली बाब आहे. पाणी बचतीसोबतच पाणी व्यवस्थापनावर चर्चा होत आहे. देशात विविध बदलते भाग आहेत. पाण्याचे महत्त्व हे पूर्वीपासून सांगितले जाते, आताही ते सांगितले जात आहे. बदलत्या हवामानाच्या काळात पाण्याचे महत्त्व आणखीन वाढले आहे. सस्टेनेबिलिटी ऑफ वॉटर मैनेजमेंट विषय पर ये जो दो दिन की तीन दिन की कार्यशाला यहाँ हो रही है, निश्चित रूप से ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है. क्योंकि आज भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण से और साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव के कारण से जिस तरह की चुनौतियाँ सामने आई हैं, इतने बड़े जल समृद्ध भंडार होते हुए भी आज हमारा देश जिस तरह से पानी के विषय को लेकर के जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आई है, ठीक तरह से प्रबंधन के दिशा में बात करने और काम करने की आवश्यकता है. जब मैं प्रबंधन कहता हूं तो पानी के सारे एस्पेक्ट्स को, चाहे वो समुद्र का पानी है, चाहे वो नदियों का पानी है, चाहे तालाबों झीलों का पानी है, चाहे झरनों का पानी है, वहाँ से लेकर के जो पानी उपयोग में आता है, चाहे घर में आता है, उद्योग में आता है या खेती में आता है, और उसके साथ साथ में जो पानी उद्योग घर में उपयोग के बाद में उद्योगों में उपयोग के बाद में निकलता है, वो सारा पानी सीवेज वाटर या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इन सब को ठीक से प्रबंधन करने के लिए दिशा में काम करने की आवश्यकता है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए ये प्रबंधन और भी अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है. मैं मानता हूं कि जिस तरह से तीन दिन की इस कार्यशाला में इन विषयों पर विचार होगा, एक नया मार्ग इस दृष्टिकोण से प्रशस्त करेंगे.